16 कारण भावना भाग 3 तारीख 7/8/1999। नमो अभिन्नतानं नमो सत्यं नमो आयुर्यं नमो विभूतारं नमो वैरिसप्रसां नमो सर्वसाराय स्वामी भूतया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान् प्रचित मंगलं भगवान् की मंगलं गौतमोऽहम् मंगलं कुन्दकुण्डलो जयं दर्पोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चंद्रे ओंकाराय श्री समद्भद्र आचार्य देवरचित श्री रत्नकरण श्रावक आचार्य। इसमें छठा अधिकार जो भावना अधिकार है उस पे पंडित सदाशिव दास कासलीवाल की टीका है। तो आत्मा का ज्ञान होने के बाद 16 कारण भावना समय दृष्टि जीव पाता है। अगर 16 कारण भावना शुद्ध परिपूर्ण रूप से भाई तो वो तीर्थंकर होकर के मोक्ष में जाता है, उसी भाव में या तो तीसरे भाव में मोक्ष जाता है। और इसमें जो पहली भावना है उसका वर्णन चल रहा है, उसमें पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। आत्मज्ञान होने के बाद भी अब श्रद्धा तो बराबर है, मैं आत्मा हूँ ये पक्की बात है, और अनुभव से वो उसका ज्ञान भी हो चुका है, तो श्रद्धा मजबूत हो गई। लेकिन ज्ञान और आचरण में कमी होने के कारण वो समय दर्शन मलिन कहा जाता है। तो समय दृष्टि जीव अपने श्रद्धान को अपने अनुभूति को शुद्ध करता है, विशुद्ध करता है। तो ये विशुद्ध करने वाली जो प्रक्रिया है उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। जब तक ये दर्शन विशुद्धि भावना हर प्रकार से 25 दोष से रहित नहीं होती है संपूर्ण रूप से, तब तक पंचम गुण स्थान में उसका प्रवेश नहीं है। तो ये समझना कि जब तक हमारे में ऐसे दोष है तब तक हमारे श्रद्धान में, श्रद्धान सही है लेकिन मलिनता है। अभी हम परिपूर्ण शुद्ध रूप से आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे में बहुत सी कमियां हैं। अगर ये सब कमी निकल जाएगी तो 25 प्रकार दोष रहित दर्शन विशुद्धि हो जाएगी, तो पंचम गुणस्थान की पहली प्रतिमा पार कर लेंगे, फर्स्ट स्टेज पंचम गुणस्थान का पार। तो स्थिरता भी अंदर में बहुत बढ़ जाएगी। जब 6 महीने में एक बार होता है तो फिर बाद में तो 15-15 दिन में एक बार निर्विकल्प अवस्था आती है, इससे पहले जल्दी भी आती है वो पंचम गुणस्थान। अंतर की स्थिरता के साथ बाहर का संबंध है, अंतर में जितनी स्थिरता की कमी है उतने बाहर में एडजस्टमेंट है और दोष भी है। एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो एक प्रकार से दोष है। मन से तो अभिप्राय से तो दोष नहीं करता है समय दृष्टि जीव, लेकिन वचन से काया से किधर भी उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो वो उसका दोष गिना जाता है। तो 25 प्रकार के दोष में पहले 8 प्रकार के दोष से रहित गुणों की बात करते हैं। कमजोरी कहो, दोष कहो, मलिनता वो भी दोष ही है, मलिनता वो भी दोष है। आत्मा तो परिपूर्ण पवित्र है और परिणति में ऐसी मलिनता है तो दोष है। निर्दोषता, निर्दोष जिसको बनना है उसको एक भी दोष पसंद नहीं होता, थोड़े भी कमजोरी पसंद नहीं आते। तो यहाँ पर जो ज्ञानी पुरुष है वो ऐसा निश्चय करता है कि मैं एक जानने वाला हूँ, ज्ञायक रूप अविनाशी अखंड चेतना लक्षण देह आदि समस्त परद्रव्य से भिन्न आत्मा हूँ। देह जाति कुल रूप नाम
इत्यादि मुझसे अत्यंत भिन्न है। राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ आदि कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए ये मेरे ज्ञायक स्वभाव में विकार है, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, वो भी पर है। इस प्रकार से उसको आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ डाउट से वो ज्ञान की कमी और आचरण की कमी कमजोरी इसके कारण से होता है। तो इसमें पहला गुण लिया है, अगर शुद्ध समय दर्शन होता वितरागी तो उसको निसंकित गुण होता। निसंकित माने क्या, कि सर्वज्ञ वितराग परम हितोपदेशक तथा अथारह दोष क्षुधा तृषा जन्म जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग द्वेष निंदा चिंता स्वेद मद मोह खेद और अरति ये 18 प्रकार के दोष परमात्मा को नहीं होते हैं। तो ऐसे जो 18 प्रकार के दोष रही जो देव हैं वही हमारे देव हैं और उसको ही हमको पूजा वंदन और भक्ति आदि करना चाहिए। इसके अलावा ये 18 दोष में से एक भी दोष किसी को है वो हमारे देव नहीं हो सकते, वो सम्यक दृष्टि को पूरा संग इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि दूसरे भी देव होते हैं ये चला लेंगे, हमारे में इतने दोष है तो फिर हम कौन होते हैं कि हम वो नहीं चलाने वाले दूसरों के दोस्त देखने वाले, क्या हम खुद इतने दोस्त से भरे पड़े हैं तो थोड़ा बहुत किसी में कमी है तो चला लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा देव और हमारा आदर्श और जिसको वंदन पूजा नमस्कार करते हैं वो परमात्मा, वो तो समस्त दोषों से निर्दोष है, रहित है, उनमें एक भी दोष नहीं चलाया जाता है। आप में अधूरा से मैं मानता हूं, लेकिन आपकी भावना कैसी है, दोष रखने की है कि निर्दोष होने की? तो आपका देव जिसको आप वंदन पूजा नमस्कार करते हैं उसमें एक भी दोष नहीं होना चाहिए, 18 दोष से रहित होना चाहिए। आप अधूरे हो लेकिन आप अपने अधूरा को पूरा करना चाहते हो ना, खत्म करना चाहते हो ना, आपकी भावना तो निर्दोष होने की है ना। तो फिर आप ऐसा जो प्रतीक है आपका जिसको आप वंदन नमस्कार करते हो वो तो संपूर्ण निर्दोष होवे तो ही होता है। तो हमारे जो देव हैं वो तो 18 दोष से रहित हैं, वही आप तो हैं, वही हमारे वंदन स्तवन और पूजन करने योग्य हैं। अनंत का अन्य जो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, स्त्रियों में आसक्त है, शस्त्र आदि धारण किए हैं, कर्म के अधीन हैं, इंद्रिय ज्ञान के धारी हैं, सर्वज्ञता रहित हैं, वे मेरे वंदन स्तवन पूजन योग्य नहीं है। महावीर स्वामी भी अगर गृहस्थ दशा में मुकुट पहन के अच्छे राजकुमार के कपड़े पहन करके ऐसी अगर उनकी प्रतिमा है तो वो वंदन पूजन स्तवन योग्य नहीं, भले ही महावीर स्वामी का प्रतिमा हो, ऐसी प्रतिमा हो कि वो अंतर्मुख देखे हो या दूसरों के प्रति नहीं। अगर काली माँ को वंदन नहीं करना, गणेश को, ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी खुद की प्रतिमा अगर मुकुट वाली है, दागिने वाली है, कपड़े वाली है, आंखें खुली है, वंदन योग्य नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण वितराग दशा है खुली नहीं होना, हाँ ऐसा ही रहती है, ऐसे वितराग मूर्ति को ही वंदन करना है, नहीं करना। तो अंतर्मुख मुद्रा भगवान की होती है, आंख खुली नहीं होती है। तो ये सब क्या है, क्योंकि जिसको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है उसको आंख की क्या जरूरत है देखने के लिए, उसको ज्ञान में सब दिखता है, कलर वगैरह सामने जितने भी पदार्थ हो ना पूरा विश्व झलकता है उनके ज्ञान में। उनको ये जड़ इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है, कान की आंख की नाक की किसी की जरूरत नहीं, बिना उसके सहारे अपने केवल ज्ञान के आधार से पूरे विश्व को वो जानते हैं, इतनी ताकत प्रकट हुई है। और सारे विश्व में देखने योग्य जानने योग्य तो एक अपना आत्मा ही है सबसे सुंदर, तो उनकी दृष्टि बाढ़ में कैसे होगी। जिसको ज्ञान में कुछ कमी है, कुछ जानना है बाहर का, तो आंख खुली रखेगा ना, तो परिपूर्ण निर्दोष भगवान है, उनकी आंख खुली नहीं होती। तो ऐसे दूसरों की तो बात ही क्या है, लेकिन महावीर स्वामी स्वयं की अगर ऐसी प्रतिमा है तो वंदन स्तवन पूजा करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो हमारा आदर्श नहीं है। हमारा आदर्श तो सभी दोषों से रहित परिपूर्ण विशुद्ध पवित्र देव
वही हमारे आदर्श है। हम भले अधूरे हैं लेकिन हमारा आदर्श अधूरा नहीं है। हमारा आदर्श जो हमारी मंजिल है वो तो पूर्ण है, तो वही हमारे देव है। सबको मालूम तो है कि वितरागी देश मोक्ष का मार्ग है, फिर ऐसे क्यों मनाते हो? बनाते हैं तो क्या है कि अपना अपना गच मत चलाना है तो क्या करेंगे, अपने अपने गच मत चलाना है तो फिर पार करेंगे ही करेंगे। वितराग मार्ग बोलो, लेकिन बोलने का नहीं होता है, परिणमन का भी होता है। ऐसे इस प्रकार से गलत आचरण करने वाले जो जीव हैं, ऐसी मूर्ति बनाने वाले, उनको एक गाली देके देखना तो मालूम पड़ जाएगा वितराग है कि नहीं। वो वितराग नहीं रह सकते। वितराग की बातें करना वो अलग बात है और वितराग रहना वो अलग बात है। तो वितराग नहीं है वो, बात करते हैं, बात करने से थोड़ा वितराग हो गया। किसी ने अपना नाम महावीर रख लिया तो महावीर हो गया, ऐसा नहीं है कुछ। कई लोगों के नाम महावीर है, किसी का पारस नाम है तो क्या पारस हो गया? ऐसे कोई वितराग बोले तो वितराग थोड़े हो गए। आचरण में वितराग तो है कि नहीं, श्रद्धा में वितराग तो है कि नहीं? चलो आचरण में तो ज्ञानी को भी नहीं होता है, चलो वितरागता, लेकिन श्रद्धा की बात मेन है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा में वितरागता है क्या? ये बात, श्रद्धा में अगर वितराग है तो भी आप जिनेश्वर के वहां लघु नंदन हो गए, तो चौथे गुण स्थान कोई होता है, जिसको आत्मा का अनुभव होता है वही जिन है, वही देव है, ये समझना है। तो वितराग हो गया श्रद्धा से, एटलीस्ट श्रद्धा से तो वितराग हो जाए तो भी भव भ्रमण का अंत आ जाएगा और 15 भव में मुक्ति अवश्य हो जाएगी। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन आत्मज्ञान होने के बाद विशुद्धि किस प्रकार की? तो दर्शन विशुद्धि भावना में सम्यक दृष्टि जीव भावना बाता है इस प्रकार की, इस प्रकार के दोष मेरे में नहीं होना चाहिए। दोष लगते हैं तो उसको दूर करने का वो प्रयत्न करता है। तो ऐसे ही जो आप तो है वो हमारे वंदन नमस्कार करने योग्य, अन्य कोई हमारे वंदन नमस्कार करने योग्य नहीं है। सर्वज्ञ वितराग उपदेशित, अब ये तो देव हो गए, अब उनका वाणी कैसी होती है? ये भगवान है तो भगवान की वाणी कैसी होती है, उनका क्या कहना है? जीवों की मुक्ति कैसे होती है उसका रास्ता उन्होंने क्या बताया है? अब इसके बारे में बात करते हैं कि सर्वज्ञ वितराग द्वारा उपदेशित, उन्होंने उपदेश दिया है प्रत्यक्ष व अनुमान आदि से जिसमें बाधा नहीं आती है। ऐसी जो उनकी वाणी है उसको प्रत्यक्ष देखे तो भी और अनुमान से देखे तो भी हमको जरा भी शंका नहीं है, नहीं हो गए। छह काय के सभी जीवों की हिंसा रहित धर्म का उपदेशक और ऐसी वाणी से किसी भी जीव को अंश मात्र भी दुख नहीं पहुंचता हो। देखो आचार विचार तो हम पालते हैं जैनों में और अन्य धर्मों में ही पालते हैं कि जीव हिंसा नहीं करना, हिंसा ही अधर्म है। सभी धर्मों में हिंसा को स्थान नहीं है, लेकिन ये जो फिर भी वो मनुष्य को दुख नहीं देंगे, लेकिन जानवरों को कोई जीव नहीं मानता है। कंदमूल में जो आलू प्याज में जो रहते हैं कंदमूल वगैरह, तो ऐसे बहुत धर्म की बात लेवे तो हम तो मिले थे उनको, तो अहिंसा अहिंसा का धर्म हमारा महावीर का एक ही है, क्योंकि हम भी अहिंसा को मानते हैं। आप जैन हैं और हम भी अहिंसा को स्थान नहीं देते हमारे में, लेकिन मजे से ककड़ी वगैरह खाते थे आराम से। देखो बोले हमारे में खा सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में इतना भी हिंसा नहीं, एकेंद्रीय जीवों की भी हिंसा नहीं है। तो प्रभु की वाणी जो है उसमें जीव मात्र एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के सभी जीवों की हिंसा नहीं होवे, ऐसा दया धर्म वाला मार्ग उनका उपदेश ऐसा है। एकेंद्रीय जीवों की भी जहाँ हिंसा होती हो ऐसा कहीं भी लिखा हो तो वो शास्त्र नहीं हो, भगवान की वाणी नहीं है, ये समझना है। आत्मा का उद्धारक, उनकी वाणी कैसी होती है? आत्मा का उद्धार करने वाली, अनेकांत रूप वस्तु को साक्षात प्रकट करने वाला। एक साइड से नहीं देखना वस्तु को, चारों ओर से देखना है। वस्तु ध्रुव भी है और वस्तु परिणमनशील भी है, ऐसा दोनों साइड एक भी है और अनेक भी है, साकार भी है और निराकार भी है। ऐसे अभी अरूपी पदार्थ साकार कैसे है? आत्मा अरूपी है, रंग रूप वाला नहीं है, वजन नहीं है, फिर साकार कैसे है? क्योंकि उसका भी कोई ना कोई क्षेत्र है जो ज्ञान में भाषित होता है, केवल ज्ञान का वो विषय है, इसलिए वो साकार भी है। साकार माने क्षेत्र वाला।
अरूपी है इसका मतलब क्षेत्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्षेत्र भी है उसका, ये बात है। तो ऐसा दोनों साइड से बात करने वाला, तो ग्लास आधा भरा है और आधा खाली भी है, दोनों साइड से। अब एक बात करे तो नहीं चलता है, दोनों साइड। ऐसे जितने भी वस्तु के अनंत गुण है, तो अनंत गुणों को कहने वाले अनेकांतमयी वस्तु की वस्तु को बताने वाली जो वाणी है वो भगवान की वाणी है। कहीं भी एकांत खींच लेगा कि नहीं आत्मा तो नित्य ही है, अविनाशी ही है, तो गड़बड़ हो जाएगी। आत्मा जो उसका मूल स्वभाव है वो अविनाशी है, लेकिन फिर भी उसका परिणाम में बदलाव आता है, वो विनाशी है। ऐसे आत्मा का जो द्रव्य गुण पर्याय वाला जो स्वरूप है, ऐसा जैसा है वैसा इंटैक्ट बताने वाला, और वैसा ही हमको अनुभव में भी आता है। अकेला आत्मा कभी भी नहीं मरता है, ऐसा अनुभव में नहीं आता है। क्षण क्षण उसकी प्रवृत्ति बदलती है कि नहीं बदलती। आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटा है, उनको पलटने की बात में भी आता है। तो हमको अनुभव कैसा होता है, तो एकांत में अनुभव नहीं होता है। इसलिए भगवान की वाणी ऐसी होती है कि कहीं एकांत को स्थान नहीं, अकेला प्रारब्ध भी नहीं और अकेला पुरुषार्थ भी नहीं, अकेला स्वभाव भी नहीं और अकेला निमित्त भी नहीं, अकेला निश्चय नहीं, अकेला व्यवहार नहीं, कोई सब प्रकार से बैलेंस वाली वाणी होती है। जब बैलेंस वाणी वाणी होती है तभी तो वितराग हो जाएंगे, नहीं तो भी राग हो जाएगा हमारे एक पक्ष का, तो ऐसा नहीं चलता है। तो ऐसी अनेकांतमयी वाणी होती है, ऐसी जो वाणी होती है वही भगवान की वाणी है, जहाँ अपना अपना आग्रह रखा जाता है, जहाँ खींचमतानी होती है, जहाँ वाद विवाद होते हैं, हमारा ही सच्चा, हम बोले वही सच्चा, ऐसा जिसका होता है वो तो भगवान की वाणी नहीं होती है। तो ऐसी ऐसा प्ररूपणा, ऐसा उपदेश जिस शास्त्र में है, सर्व प्रकार से आत्मा का उद्धार करने वाला, हिंसा रहित, एक केंद्रीय जीवों की भी जहाँ हिंसा नहीं होवे, ऐसी बात बताने वाले जो शास्त्र है, जिसमें प्रत्यक्ष से और अनुमान से भी कोई बाधा नहीं आवे, कोई डाउट नहीं रहे, और अनेकांतमय वस्तु देख बिताए, ऐसे जो शास्त्र है वही भगवान की वाणी है, और वही शास्त्र है, और वही पढ़ने योग्य है, वही पढ़वाने योग्य है, वही सुनने योग्य है, वही श्रद्धा करने योग्य है, और उसका ही नमस्कार करने योग्य है। लेकिन रागी द्वेषी के कहे गए विषय अनुराग व कसाय बढ़ाने वाले, जिसको पढ़ने से हमारे इंद्रियों का वासना और भड़कती है, और जिसमें हिंसा करने का उपदेश है, किसी भी पढ़ने से किसी भी जीव को हिंसा होवे तो कोई बात नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, ऐसा प्रत्यक्ष व अनुमान से बाधित एकांत रूप शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, वंदन करने योग्य नहीं है। ये पुष्प चढ़ाते हैं ना भगवान की प्रतिमा में, दूसरे धर्म की तो बात ही नहीं है, वो तो अधर्म ही है। लेकिन जैन धर्म में भी ऐसे जहाँ मंदिर है, जहाँ अगरबत्ती जलाया जाता हो, या जहाँ पुष्प रखा गया हो, जहाँ हरे फल फलादि जो सफरदन हो या ऐसा कुछ केले हो, ऐसे चढ़ाए जाते हो भगवान के ऊपर, नहीं, उसमें कई जीवों का नाश होता है। भगवान के चरण एकेंद्रीय जीवों को उपदेश लागू पड़ता है क्या, वो पूछना उनको। उपदेश भगवान का उपदेश कौन सुन सकता है, भगवान के बाजू रहने से भगवान का हमारा उद्धार हो जाएगा कि भगवान की वाणी समझेंगे और अंदर में उतारेंगे तो उद्धार होगा। भगवान के बाजू रहना है तो सिद्ध भगवान जहाँ सिद्ध शिला है वहां भी निगोद के कई जीव है केंद्रीय जीव, उनका उद्धार क्यों नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि संगनी पंचेंद्रीय जीव है, उसको अगर भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य मिला तो इतने से भी काम नहीं होता है, फिर सुनने के बाद समझना, समझने के बाद आचरण में उतारना और अपने आत्मा को देखना, तब शांति मिलती है, तो उधर कैसे होगा इनका, तो बिल्कुल गलत बात हो गई है। तो ये जो भी हो रहा है, हाँ, तो ये सब गड़बड़ है। मिठाई बनाई तो उसको गर्म किया था कि नहीं किया था, तो कई अग्नि गए जीवों का नाश हुआ था कि नहीं हुआ, देखो ये गड़बड़ होती है यहाँ पर। पुष्प पाकड़ी जा दुभा जिनवर नहीं त्या नहीं आगना, जिनवर की आगना नहीं है भैया। ये मंदिर बनाने का भी क्यों कहा है, मंदिर बनाना क्यों, कि हिंसा जरूर होती है मंदिर बनाने में, उतना पाप अवश्य लगता है, लेकिन मंदिर बनाने के पीछे भाव ये है कि जो वितराग की प्रतिमा बनेगी, कई भव्य जीवों को उनसे वितरागता का बोध मिलेगा,
उस पर से वो आत्मज्ञान करेगा तो भव सागर गिर जाएगा, वो उसके पीछे आशा है। अगर वो लाभ नहीं होता तो मंदिर भी नहीं बनाते, तो इतना खोद काम भी नहीं करवाते। और दूसरा आशा ये है कि महावीर स्वामी तो चले गए, अब वो किसी को उपदेश देने उनका उपदेश मिलने वाला नहीं, लेकिन उनकी प्रतिमा हजारों साल तक रहेगी। तो भगवान हमारे ऐसे थे, ऐसा करके जगत के जीवों को प्रतिमा से ही बोध मिलता है। जैसे साक्षात वहां समोसा में विराजमान थे, वैसे ही उनकी प्रतिमा यहाँ होती है। उनकी अंतर्मुखता, उनकी चेहरे की शांति, अडोल आसन, पद्मासन, खड़गासन, उनकी वितरागता, ये सब देखते हुए लोगों को लगता है कि सही में है तो मनुष्य हमारे जैसे, लेकिन वो परम शांतिमय है। और क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी शांति में है। इस पर से भी कोई जीव को जाति स्मरण ज्ञान होवे, भूतकाल के सदगुरु का ज्ञान होवे, बात सुननी हो तो उनको आत्मज्ञान यहाँ भी हो सकता है। इसीलिए जिन मंदिर की रचना, जिन प्रतिमा की स्थापना की गई है, और वो जिनेश्वर के भगवान की वाणी में ही ये बात आई है। इसके अलावा ये तो बनाते हैं, लेकिन तीन लोक में अकृत्रिम जिनालय है, स्वर्ग में, नरक में और मध्य लोक में, हर जगह असंख्य जिन मंदिर है जो किसी ने बनाया नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन मंदिर से, जिन प्रतिमा से भी हम आत्मा का उद्धार हो सकता है, और उसमें कोई हिंसा नहीं है। दूसरी वो बनने के बाद कोई हिंसा वगैरह नहीं होती, तो ये बात है। ये तो हम बनाते हैं, इसलिए अकृत्रिम जिनालय जिसने बनाया नहीं उसमें तो कोई हिंसा होने का सवाल ही नहीं। तो इस सब में हमारा आत्मा का उद्धार होता है। तो यह कहते हैं कि जो आगम है वो रागी द्वेषी के द्वारा कहे गए नहीं होने चाहिए, और विषय अनुराग कसाय को बढ़ाने वाले नहीं होना चाहिए, और जिसमें अंश मात्र भी हिंसा करने का उपदेश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है और प्रत्यक्ष रूप से और अनुमान से बाधित एकांत रूप शास्त्र पढ़ना, सुनना और वंदन करना योग्य नहीं है, ऐसी जगह पे जाना नहीं है, वहां वंदन नमस्कार नहीं होते हैं, अगर ऐसा किया गया शर्मा शर्मी से भी, तो पंचम गुणस्थान नहीं आएगा। और जो आत्मज्ञान हुआ है वो भी मलिन है, शुद्ध नहीं है, और मलिन सम्यक दर्शन कभी भी गिर सकता है, वितराग सम्यक दर्शन कभी भी गिर नहीं सकता है। ये बात समझना, सम्यक दर्शन का दो क्वालिटी है। शर्मा शर्मी में भी अगर ऐसी जगह पे गए, पढ़े, सुने, वंदन नमस्कार किया, तो हमको तो दोष लग जाएगा, हमारा सम्यक दर्शन मलिन है। इसके पीछे धर्म का भाव नहीं, इसके पीछे सामाजिक दृष्टिकोण है, और सामाजिक दृष्टिकोण के पीछे हमारा सुख सगुण है। समझ में रखना हो बात, समाज के साथ हम नाता क्यों जोड़े हैं, क्योंकि फिर हमारे घर पे हमारे को कोई पूछा नहीं करेगा, हमको सुख सगुण नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं मिलेगा। तो वास्तव में समाज का बंधन भी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको सुख सुविधा चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक बाजू आत्मा में सुख है वो अनुभव से नकी हुआ है, और दूसरे बाजू हमारे आचरण देखो कि थोड़े से सुख के लिए हम जिनेश्वर की आज्ञा को ठुकराते हैं और समय दर्शन को मलिन करते हैं। कमजोरी है वो, और वो कमजोरी को निकालना अवश्य है। ये आत्मा अगर आत्मा के जो अभी है सुख शांति तो यहाँ है, बाहर में जो सुख दुख है वो संयोगाधीन है। तो संयोग, दुनिया हमारे बात को नहीं मानती है, हम अकेले पड़ गए, इसलिए संयोग विपरीत है कि हमारे पुण्य में कमी है इसलिए विपरीत है, समझना होगा। हम अकेले भी हैं तो भी जिंदा रह सकते हैं, मजे से रह सकते हैं। जैसे समझो कोई लावारिस है, कोई माँ नहीं, बाप नहीं, पगे नहीं, संबंधी नहीं, तो क्या जिंदा नहीं रहता है, खाना पीना नहीं मिलता है? देखो वो अकेला है, उसका कोई नहीं है समाज के अंदर, फिर भी उसका गतिविधि चलती रहती है पूरी। ऐसे हमको समझना है कि हम वितराग हैं, और वितराग के मार्ग पे चलते हैं तो समझो हम अकेले भी पड़ गए, और संसार के संयोग के सुख सुविधा हमको नहीं भी मिले, हमने मान ली, तो वो तो हमारे पूर्व के पाप कर्म का उदय है। भले ही वो आया है, कर्जा चुकते कर रहे हैं हम, क्या खुशी मनाना उसके अंदर कि अगर ऐसा उदय आता है तो हमारा तो कर्जा चुकता है, हमने किया है तो हमको भुगतना है। लेकिन इसके लिए हमको समाज के साथ इस प्रकार से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मान मान तो बहुत महंगा ये वितराग धर्म, अनमोल वितराग धर्म हमको मिला है।
क्या चिर रक्षक धर्म हमारा है धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था हम भी न रहे, तो ऐसा अनमोल धर्म कहाँ मिलेगा भैया। ये अनमोल चीज है, उसकी कीमत नहीं चुका सकते हम, तो थोड़ा बहुत हमको भोग देना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं, बलिदान देना पड़ता है, थोड़ी हमारी सुख सुविधा में कमी होती है 10-20 सालों के लिए। ये जिंदगी रही कितनी अब, 10-20-25 सालों की जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत इस धर्म की रक्षा करने के लिए हमको कुछ भोग देना पड़ता है तो सुख कितना मिलेगा, हम चुकाते कितना, थोड़ा बहुत, और मिलता कितना है, बहुत कुछ है। तो धर्म का गुरुदेव कहते थे सत्य सत्य के साइड में रहना हमेशा, सारी दुनिया उल्टी हो जाए तो भी हमको पक्ष किसका करना है, झूठे का कि सत्य का। सतने माटे आखो जगत वेचाई जाओ तो भले वेचाई जाओ, गुरुदेव ना वचन छे ने, पण उन्होंने समझो तो न था कोई दिवस, प्राण जाए लेकिन सत्य की साइड लेना है, क्योंकि सम्यक दर्शन चले जाएगा तो फिर पछताओगे। एक तो मुश्किल से हाथ में आया है ये सम्यक दर्शन, करोड़ों अब्जों में से एक आध को होता है, वो तो मुश्किल से हाथ में आया है, और हाथ में आने के बाद उसको जैसा है ऐसा खर्च कर डालोगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, वापिस दुख के दिन चालू हो जाएंगे, चार गति में भटकना चालू हो जाएगा। तो हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं, अपनी आत्मा को दुखी करने करने के करके भी दूसरों को राजी रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले ही सही, हम दुख से भी जिंदगी निभा लेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं किसी बात का, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्म के लिए हम प्राण भी अर्पण करने को तैयार है, इतनी तैयारी है तो समय दर्शन शुद्ध हो जाएगा, तो दर्शन भी शुद्ध भावना में प्रवेश हो जाएगा। दर्शन प्रतिमा जो बोलते हैं ना, ये जो थोड़ी बहुत भी जो कमी है ना वो पूरी करोगे, दर्शन प्रतिमा में चले जाओगे पंचम गुण स्थान, समझ लेना। अभी क्या हमारी स्थिरता में कमी है इसलिए हमको पैर दगमग दगमग होते हैं, स्थिरता बढ़ेगी तो ये सब लफड़े निकल जाएंगे, अंतर की स्थिरता बढ़ेगी तो डर नहीं लगेगा किसी का भी, क्योंकि हमारा सुख तो हमारे पास ही है, हमको दुनिया से कोई डरने की जरूरत नहीं, हम अकेले तो अकेले ही सही, और जंगल में शेर अकेले ही होते हैं क्या, ये मेंढे का बकरियों का तोले होते हैं, गायों के भैंसों के, और शेर का कभी तोला देखा है, हाथियों के भी झुंड होते हैं लेकिन शेर तो अकेला होता है। तो ये मार्ग कैसा है, ये वीरों का मार्ग है, और समय दृष्टि जीव तकलीफों से घबराता भी नहीं, ऐसा अद्भुत इसका कोई मोल नहीं है, ऐसा मार्ग हमको मिला है तो उसकी रक्षा भी हमको करनी है। तो जिसमें हिंसा करने का उपदेश हो ऐसा प्रत्यक्ष व अनुमान से बाधित एकांत रूप शास्त्र सुनने योग्य भी नहीं है, पढ़ने योग्य भी नहीं है, और वंदन करने योग्य भी नहीं है। तो असल में गड़बड़ कितनी है कि उनके ही शास्त्र में कुछ बातों को उन्हें स्वयं नहीं मानते हैं, जैसे सात तत्व में आश्रव अधिकार है, आश्रव से बंद होता है वो बोलते हैं, और आश्रव माने पाप और पुण्य दोनों, फिर भी पुण्य करने को बोलते हैं, मतलब बंधन करते रहो ऐसा बोलते हैं, उपवास करो, माला फेरो, ये फोरो, ये क्या बात है, ये सब क्या, आश्रव करो ताकि आपको बंधन होवे, मुक्ति की बात कहाँ चलती है, हम धर्म करते हैं मुक्ति के लिए शांति के लिए, लेकिन वो समझाते क्या है हमारे, उसको खत्म हो गए तो ऐसा ऐसा आपके चलने से क्या ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा खाता बदल दोगे तो कोई मानेगा क्या, सुरेंद्र है ना जाता ना, तो ऐसा पुण्य तो सोने की बेड़ी है, तो लोहे की बेड़ी है, बोले बोला तो अभी तो सुरेंद्र सवाल कह रहे की बाबू की दोनों बेड़ी से छुटने, बेड़ी तो बेड़ी है, सोने की बेड़ी क्या काम की है, लोहे की बेड़ी क्या काम, उसे आके बताओ क्या, तो बोला धन दान करो, तो धन दान कौन सा करना बताइए, चलो तो बोले उपवास करो, हो गई बात, दान दो, चीज पालो, ये वतन में आओ, सब बोला। तो फिर उनको तो तब आगे जरा मालूम नहीं है ना, तो मेरे को बोला भाई जी ऐसा ऐसा बोले बोले, लेकिन तेरे क्या समझ में आया, तो मैं बोला महाराज सा बोले, फिर उन्होंने बोले इससे तो पुण्य होता, बोले महाराज को बोला, बोले बुद्धि महाराज सा बैठे थे, तो जरा उनका ये हुआ, बात तो
अच्छी तरह है, क्या बात है इसका? तो कल आना आपको अपन चर्चा, प्राइवेट में बात करना है, ओपन करोगे तो पोल खुल जाती है। तो फिर मैंने तो भैया ऐसा सवाल तुम सब जाहिर में मत करो, हमारी पोल खुल जाती है। मैं बोली मीठा क्या है, धर्म क्या है, धर्म है। बराबर तो ऐसे आगम अभी तो आत्मज्ञानी नहीं हुआ है तो फिर हमारा तो क्या हाल होगा? गड़बड़ बोले है, कोई भी बात हुए तो जरा आराम करे तो बोले उसका ही भरोसा कर लिए। अपन अब किसी गणेश मोदी महाराज साहब कुछ तकलीफ आया अंतर है, वो धर्म का स्थान है, वो सारी प्रॉब्लम है, धार्मिक प्रॉब्लम है। शरीर का प्रॉब्लम तो फिर भी कितना भी करो तो आखिर मृत्यु तो आने वाली है, लेकिन धर्म का साथ तो छोड़ोगे तो क्या होगा? तो एक मृत्यु नहीं आएगी, कितने मृत्यु आएंगे फिर? फिर अनंत का और एक का कोई फर्क नहीं है। वो शास्त्र सुनने योग्य नहीं है, वो शास्त्र बोलो या वाणी बोलो सुनने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, वंदन करने योग्य नहीं है, शर्मासर्मी से भी नहीं। ऐसी हमको क्या जरूरत पड़ी कि हमको हमारा अंदर का सुख नहीं मिल रहा है? ये तो इस दर्शन विशुद्धि भावना किसके लिए, कौन बाता है? वो समय दृष्टि बाता है। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उसको तो एक ही बात है कि हमको आत्म शांति चाहिए। जिससे आत्मशांति मिले वो बात स्वीकारेंगे, जिससे आत्मशांति नहीं मिलेगी वो बात तीर्थंकर भी उतर के कहे आए ना, अगर ऐसा रूप लेकर के तो भी हम नहीं स्वीकारेंगे, हमको आत्मा की शांति मिलेगी। ये जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ वो, लेकिन ये बात किसको लागू होती है? जिसको आत्मधर्म प्रकट हो चुका है, फिर वो किसी के सामने झुकता नहीं है। कितना भी लालच दो, लोभ दो, कितना भी मान सम्मान दो, वो नहीं झुकेगा किसी के सामने। देखने तो हमारा नुकसान क्या? अभी आपको आपको क्या तकलीफ हो रही? हमारा समय दर्शन मलिन हो जाता। हम जिस धर्म को मानते हैं वितराग को, उसमें और इसमें फर्क है, इसलिए हम नहीं मानते हैं। क्या मुसलमान धर्म को मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि वो हमारी दृष्टि में वो अधर्म है। तो आप जिस प्रकार से नहीं मानते हो, इसलिए हमारी दृष्टि में ये धर्म भी, इसमें पुण्य की बातें कही जाती हो, पुण्य से धर्म होता है ऐसा कहा जाता हो, न एक भी प्राणी की हिंसा होती है, उस धर्म को हम नहीं मानते। हम तो परिपूर्ण निर्दोष धर्म को मानते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। हमारा नुकसान हमको नहीं करना। हाँ, शादी ब्याह में बोले तो आएंगे, क्यों? तो सामाजिक है, धार्मिक नहीं है, लेकिन इस धर्म में तो हम नहीं आएंगे किसी हालत में। कैको बोलते दिगंबर धर्म, हम वितराग धर्म अंगीकार कर रहे हैं। दिगंबर में क्या गलती नहीं होती है? दिगंबरों में भी गलती होती है। ये कान्ही स्वामी का धर्म लोग बोले ना दिगंबर धर्म है, वही कान्ही स्वामी के तीन टुकड़े हो गए, चार टुकड़े हो गए। सनातन जैन धर्म, समझो आप मेरे को, महावीर क्षेत्र में कोई दिगंबर नहीं है, कोई स्वतंबर नहीं है, हाँ वितराग धर्म है, जहाँ राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, अल्प भी हिंसा नहीं है, वो धर्म सच्चा धर्म है। दिगंबर बोलोगे झगड़ा होगा, दिगंबर क्यों बोलते हैं? हम वितराग धर्म को मानते हैं, बस। जहाँ अंश मात्र भी राग द्वेष न हो, ऐसे धर्म को अंगीकार करते हैं। अगर हमको नहीं मिला खाना तो हम भूखे रहेंगे, लेकिन मलिन खाना, गंदा खाना तो हम नहीं खाएंगे। समझ लेना आप, नहीं नहीं होगा तो हमारी भावना तो शुद्ध रखो, नहीं है तो नहीं अपनाएंगे। भाई हंस नहीं है तो क्या कौए को हंस मान लेना? नहीं, नहीं है, चलो नहीं है, लेकिन हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? जैसे समझो हम रोगी हैं और कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर के पास गए तो कोई इसका डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं करता है, लेकिन हमारी भावना छोड़ देंगे हम निरोगी होने की? बात हो गई ना, खत्म हो गई बात। हमारा व्यक्तिगत मामला है ना, धर्म करना तो व्यक्तिगत मामला है, भोजन करना व्यक्तिगत मामला है, पानी पीना व्यक्तिगत मामला है। क्या जबरदस्ती आप मेरे को पानी पिला सकते हो? जबरदस्ती आप खाना खाओ तो खा लेंगे, व्यक्तिगत मामला है ये भी। ऐसे धर्म भी हमारा व्यक्तिगत मामला है, सामाजिक मामला नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके हम आपके बीच में नहीं आते, आप हमारे बीच में। इस मामले में तो आप हाथ जोड़ देते हैं आप, क्योंकि हमको डूबना नहीं है, ये समझ लेना।
इतना शांति से बोल सकते हो? एक बार दो बार कड़वा लगता है, बाद में उनको हमारा स्पष्ट अभिप्राय समझ में आने से वो हैरान नहीं करते कभी भी, क्योंकि कमजोर कौन है? झुंड किसको चाहिए? हमको क्या उनको? हम तो अकेले भी रहने को तैयार है और प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार है। हम तो प्राण गंवाने के भी तैयार है, वो तैयार नहीं है अपने प्राण गंवाने के लिए। इसलिए ताकत हमारी ज्यादा है, हम अकेले भले हैं लेकिन ताकत हमारी ज्यादा है। हमारे सिद्धांत में वितरागता है, अरे हमारे साथ प्रभु साथ में है, हमारे जिनेन्द्र भगवान वितराग हमारे साथ में है। पांडव सिर्फ 5 थे और कौरव कितने थे और उनकी सेना कितनी थी, लेकिन जिसके साथ में भगवान है, जिसके रथ के सारथी भगवान है, उसको क्या डरना है? हम डरते नहीं है। और दुख आएंगे तो हमारे पूर्वक बाप के उदय से आएंगे भी, तो हम सहन करने के लिए तैयार है, कर्जा चुकाने के लिए तैयार है। क्या हम इतना हमारे धर्म के लिए इतना भोग नहीं दे सकते? ऐसा है कि इस जगह पे जाना नहीं और गए तो आप गलत हो, ऐसा तो नहीं बोलना। ठीक है, उनको मुबारक, सभी लोग ऐसा ही करते हैं, उनको मुबारक। हम उनको चोर को चोर कहेंगे तो झगड़ा पंचायत खड़ा कर लेते हैं। चोर को चोर नहीं कहना है, लेकिन हमको हमारा रास्ता भी नहीं छोड़ना है, समझ लेना आप। हमारी गलती यहाँ होती है, हम उनको नीचे दिखाते हैं और मेजोरिटी उनकी है, तो फिर हमको आप अपने हाथों से झगड़ा है वो नहीं बताना। हमारी समझाने की योग्यता नहीं है अभी, हमारे गुरु जी ने मना कर दिया है, खत्म। समझना है चलो हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं वहाँ। आपको जितने सवाल करना है लिख के चलो पूरा लिस्ट, एक नहीं आप 1000 सवाल करना। क्या हमारी समझाने की योग्यता नहीं है भैया? अब तो हम अभी तो सीख रहे हैं, हम तो अभी सीख रहे हैं, हमारी योग्यता समझाने के नहीं। समझना है तो आपको थोड़ा टाइम निकाल कर वहाँ आना पड़ेगा, उसमें आप सेफ साइड में हो। समझना है, सवाल जवाब करना है, हमको एक भी सवाल का जवाब दे सकते नहीं, एक भी नहीं, छोटा मोटा भी नहीं, क्योंकि हम हमको जब योग्यता नहीं समझाने के तो हम क्यों समझाने जा रहे हैं। लेकिन हम इस धर्म को छोड़ने वाले नहीं, हमारा प्राण काट दो, हमारा मथा निकाल दो, हमारा तलवार काट डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उल्टा ये 4 लोग अपने यहाँ आएंगे, कैसे भी आएंगे, क्यों? कि जब आप इतने दृढ़ हो तो ऐसा क्या जादू मंत्र किया है, ऐसा बोलेंगे ही वो, तो वो कैसा भी वो इधर आएंगे सवाल जवाब लेके आएंगे, तब देखा जाएगा जो होगा। तो उनकी गोली उनका जूता उनके सर में, क्या हमारे को कुछ नहीं करना है। ये क्या है, देखो कहीं भी गए तो उनके गुरु की बात उनको चिपका दो। हम ऐसा कहते हैं ऐसा नहीं, गांधी स्वामी कहते हैं ऐसा नहीं, कृपाडू कहते हैं ऐसा नहीं, आपका कोई किताब लेके आओ शास्त्र कौन सा है। अच्छा, ऐसा करके उनकी गोली उनको देना तो वो कान पकड़ते, बाकी नहीं पकड़ते। वो हमको नहीं आता है तो हम वाद विवाद में नहीं जाना। ये जेठ बल जी को कैसे बोलना पड़ा हमारे, तो कृपाडू जिसकी आप भक्ति करते हो ना वही ऐसा बोलते हैं, अभी आपको नहीं मानना तो मत मानना। क्या तो ये हमारे में अगर समझाने की योग्यता नहीं है तो हम एक भी सवाल का जवाब नहीं देना। ये गौतम गंधर्व के पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के आया था ना, इंद्र सौधर्म इंद्र एकावतारी थे, उनको नहीं मालूम था 6 द्रव्य 7 तत्व, लेकिन उन्होंने जानबूझ के प्रश्न किया गौतम गंधर्व, और जो इंद्रभूति थे वो, ये 7 तत्व 6 द्रव्य क्या होते हैं, मेरे को तो नहीं आता है, चलो आपके गुरु के पास। तो उनको तो वही होना था, उनको जवाब थोड़ा देना था। अच्छा भाई चलो, तो भगवान के पास लेके आया तो अपने आप उत्तर मिल गए, भगवान दे दिया उत्तर जो भी देने का था, सब बातें समझ में आ गई। उन्होंने भी एकावतारी समय दृष्टि थे, उनको आत्मा का ज्ञान था पूरा, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दिए, जानबूझ के नहीं दिए। इसलिए हमको आता है तो भी हम जवाब नहीं दे गए। अभी तो ये चातुर्मास चालू हो गया है ना, ये सब पंचायत होने वाली है, रोज की पंचायत होने वाली है, समझ लेना आप, ये चालू हो गया है। तो हमको तो हमारा घर को मलिन नहीं रखना है, एक काम करते हैं, आपको लोगों से बताने बताएंगे आगे। ये देव की बात की और आगम की बात की, अब आगे करते हैं। देखो अब गुरु की बात करते हैं यहाँ।
ये निसंकित अंग है ना, पहला अभी तो 16 कारण भावना में बहुत लंबा लटक है, उसका जो पहला दोष है निसंकित वाला, शंका होती है ना जो, वो शंका का निराकरण करते हैं, तो वो तो 25 दोष का पहला अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत लंबा लफड़ा, एक एक लफड़ा देखोगे तो अभी भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो, निसंकित पूरा नहीं होगा। मालूम तो पड़े कि हम कहाँ खड़े हैं, मालूम करना है, ये जानकारी का विषय है, क्योंकि हमारी कमजोरी कितनी, कमजोरी कहाँ कहाँ है, कैसी है, एक बाजू बोलते हैं हमको वेदन आता है, हमको शांति मिलती है, हमने पा लिया है, लेकिन पा लिया है तो संभालना भी आना चाहिए ना, लॉटरी लगने से काम होगा क्या, जिससे हमारा आप रह नहीं सकते थोड़ी देर में, हम लॉटरी लग गई हमारी, करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, रखोगे कहाँ भैया, कैसे जगह पे रख दोगे, झोपड़ी में आपके, नहीं ऐसा वेदन लेकर के क्या करना है, ऐसा ऐसा इनाम लेके कि यहाँ से लिया और यहाँ देना पड़े तो क्या जरूरत है हमारे, इतनी मेहनत क्यों करें हम, हमको तो परमानेंट शांति चाहिए, बस पर ध्यान रखते ही भाव है, हमको जो अनुभव से आनंद मिलता है वो तो परमानेंट टिकना चाहिए, वो नहीं टिका और हमारे परिणाम बिगड़ जाए, और हमारे तो बिगड़े ही बिगड़े, लेकिन लोग भी हमको स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आप ज्ञानी हो गए हो, आप वितराग हो गए हो, तो इसमें आगे कल मैंने पढ़ा था बड़ा वो कि सम्यक दर्शन गिर जाता है, क्या कारण से, ये 25 दोष से गिरता नहीं है, मलिन होता है, ये जो 25 दोष गिनाते हैं ना उसे गिरता नहीं है लेकिन मलिन जरूर होता है, लेकिन कल हमने पढ़ा दूसरे शास्त्र में से सम्यक दर्शन का नाश कैसे होता है, अनुभव तो होगा अभी भी नाश क्यों हुआ, उसके 5 कारण बताया वहां पर, इसमें अतिशय क्रोध और एल्फेल वचन बोलना, वचन पे मात्रा नहीं रहना, और है हमारा वो किताब निकालो जरा उधर, एकदम मोटा किताब है देखो, सम्यक दर्शन के 25 दोषों में कोई दोष लगने पर क्या सम्यक्तों का नाश हो जाता है, अभी अपनी चर्चा चल रही है 25 दोषों की, उत्तर कदाचित किसी का कोई दोष लग जाए तो गिर जाए किसी चीज को, बाकी सम्यक्तों का सर्वथा नाश नहीं होता है, 25 दोषों से मलिनता होती है, वहां सम्यक तो मलिन होता है ऐसा जानना, तो फिर गिरता कैसे है, अब इसकी चर्चा, तो 5 कारणों से वो गिर जाता है, ऐसे कौन से 5 कारण है, नंबर 1 ज्ञान का अभिमान, दूसरा बुद्धि की हीनता, बुद्धि नहीं है तो क्या होता है, आगे क्या होता है वो समझ नहीं पाता है कि अब इसके आगे क्या करना है, वो तो बुद्धि की हीनता है, तीसरा निर्दय वचनों का भाषण, वचन को कंट्रोल नहीं है, जैसा है ऐसा बोलते हैं, सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि, प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पद ते वर तेजय,